So this video is about Milne-Thompson circle theorem. How do we use Milne-Thompson circle theorem and when do we use it? So first of all, होता क्या है कि अगर हमें कोई प्लेन दे रखा है, सपोज दिस इज़ योर प्लेन और यहाँ पे एक फ्लो हो रहा है, सो दिस इज़ योर फ्लूइड फ्लोइंग. सो इन दैट केस इफ वी इंट्रोड्यूस अ सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, उस सिलेंडर की कितनी भी लेंथ हो सकती है, पर हम एक सिलेंडर इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे फ्लो के अंदर. एंड रिमेंबर द सिलेंडर इज इंट्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे परपेंडिकुलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इन दैट केस जो वेलोसिटी पोटेंशियल है फ्लूइड का, वो कैसे चेंज होता है, ये हम स्टडी करते हैं मिलने-थॉम्पसन सर्कल थ्योरम में. तो बेसिकली होता क्या है कि टू डायमेंशनल मोशन में जब हम एक फ्लो के अंदर एक इन्फिनिट लेंथ का सर्कल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उस केस में जो वेलोसिटी पोटेंशियल है फ्लूइड का, वो कैसे चेंज होता है, उसको हम स्टडी करते हैं मिलने-थॉम्पसन सर्कल थ्योरम में. सो हियर इज द फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ मिलने-थॉम्पसन सर्कल थ्योरम. इट सेज लेट FZ बी कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर अ फ्लो हैविंग नो रिजिड बाउंड्रीज. सबसे पहले तो जो हमारा फ्लो है उसकी बाउंड्री जो है वो रिजिड नहीं है. रिजिड बाउंड्री होने का मतलब होता है, अगर किसी फ्लो की बाउंड्री रिजिड है तो उसका मतलब कि फ्लूइड जो है उस बाउंड्री के अक्रॉस फ्लो नहीं कर सकता. तो अगर हम बोल रहे हैं इट हैज़ नो रिजिड बाउंड्री, इट मीन्स कि जो फ्लूइड है वो आउटसाइड इनसाइड फ्लो कर सकता है, मतलब अक्रॉस द बाउंड्री फ्लो कर सकता है. सच दैट देयर आर नो सिंगुलैरिटीज ऑफ फ्लो विद इन द सर्कल मोड जेड इक्वल्स टू ए. तो एक सर्कल हम लेते हैं और हम बोल रहे हैं कि उस सर्कल के अक्रॉस, मान लो ये हमारा नॉन रिजिड बाउंड्री का, ये मैं डॉटेड लाइन बना रही हूँ टू शो नॉन रिजिड बाउंड्री, नॉन रिजिड बाउंड्री है हमारा फ्लो, हमारा फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है. तो इसमें एक सर्कल है जिसकी की रेडियस हमें दे रखी है ए. तो इस ये जो सर्कल है इसके अंदर कोई भी सिंगुलैरिटीज नहीं है, देयर आर नो सिंगुलैरिटीज. सिंगुलैरिटीज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जैसे पढ़ा था, वो सिंगुलैरिटी पॉइंट वो होता है जिसपे हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होता. हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है वो होता है W इज इक्वल टू FZ, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है ये एनालिटिक होता है. तो जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता वो सिंगुलर पॉइंट होता है. तो हम ये बोल रहे हैं कि सर्कल के अंदर जो हमारा सर्कल है, मतलब कि कोई भी उसके अंदर सिंगुलैरिटी नहीं है, मतलब सर्कल के अंदर फंक्शन एनालिटिक है. देन ऑन इंट्रोड्यूसिंग द सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर मोड जेड इक्वल्स टू ए इन टू द फ्लो, द न्यू कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल इज गिवन बाय. तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जैसे हमने हमारे इस फ्लो के अंदर सेम ही जो सर्कल हम ले रहे थे उतनी ही रेडियस का अगर हम सिलेंडर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल है, पहले हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल कितना था, FZ था. अब क्या हो गया, जैसे ही हमने सिलेंडर इंट्रोड्यूस कर दिया, वेलोसिटी पोटेंशियल चेंज होकर क्या बन गया, पहले वाला वेलोसिटी पोटेंशियल प्लस में एफ ऑफ ए स्क्वायर बाय में जेड का कॉन्जुगेट, ये हमारा नया वेलोसिटी पोटेंशियल आ जाएगा इस केस में. तो हमें यही प्रूव करना है कि ये कैसे आएगा. तो इसको प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करनी होंगी. सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि जो सिंगुलैरिटीज़ एफ जेड की थी, मतलब जो सिंगुलैरिटीज़ एफ जेड, अब एफ हमारे सर्कल के अंदर तो कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है, यानी सर्कल के बाहर सिंगुलैरिटीज़ हैं. तो जितनी सिंगुलैरिटी सर्कल के बाहर एफ जेड के लिए थी, सेम ही सिंगुलैरिटीज़ एफ जेड प्लस में एफ कॉन्जुगेट ए स्क्वायर बाय जेड के लिए होंगी, मतलब कि इस वाले एडेड फंक्शन के लिए भी सेम ही सिंगुलैरिटीज़ आएंगी. और दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा जब हमने सिलेंडर इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो नई बाउंड्री आई है वो रिजिड बाउंड्री होगी. पहले हम यहाँ पे तो नॉन रिजिड बाउंड्री लेकर चल रहे थे, लेकिन अब हम इसको रिजिड बाउंड्री प्रूव करेंगे. अब हमें गिवन क्या है कि जो W इज इक्वल टू FZ, जो हमारा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो हमें गिवन है, इसकी सारी सिंगुलैरिटीज़ क्या है, इसके अंदर तो कोई सिंगुलैरिटीज़ नहीं है इस रीजन के अंदर, यानी कि सारी सिंगुलैरिटीज़ क्या है, आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल है. ठीक है, अब जो हमारा Z है, Z एंड A स्क्वायर बाय Z आर इन्वर्स पॉइंट्स, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं. यानी कि अगर FZ के पास कोई सिंगुलैरिटीज़ नहीं है इनसाइड दिस सर्कल मोड Z इक्वल्स टू A, तो यानी कि F ऑफ A स्क्वायर बाय Z, जो कि ए स्क्वायर बाय जेड इसका ऑपोजिट पॉइंट है, इसके लिए इस मतलब कि अगर इसके अंदर एफ जेड के लिए कोई सिंगुलैरिटीज़ नहीं है, तो इसके इन्वर्स पॉइंट में, मतलब कि एफ ऑफ ए स्क्वायर बाय जेड के पास सिंगुलैरिटीज़ होंगी इनसाइड द सर्कल मोड जेड लेस देन इक्वल्स टू ए. क्यों? क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल मोड जेड इक्वल्स टू ए. ठीक है, अब हमें पता है कि जो भी कोई भी फंक्शंस होते हैं, मतलब अगर एफ जेड और एफ जेड का अगर कॉन्जुगेट लो,
तो हमेशा किसी फंक्शन और से कॉन्जुगेट के पास सेम ही नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज होती हैं. तो दिस अप्लाइज टू दिस फंक्शन ऑल्सो. तो यानी कि एफ एफ ए स्क्वायर कॉमा वाई जेड, इन दोनों के सिंगुलर पॉइंट सेम होंगे. ठीक है, अब यहाँ से हमारे को क्या मिला कि एफ ऑफ ए स्क्वायर बाय जेड एंड एफ ऑफ ए स्क्वायर बाय जेड का कॉन्जुगेट दे हैव सेम सिंगुलैरिटीज. इन दैट केस इसकी सिंगुलैरिटीज कहाँ थी, इनसाइड ऑफ दिस सर्कल. तो उसके कॉन्जुगेट की सिंगुलैरिटीज कहाँ होंगी, आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल. ठीक है, और एफ जेड की सिंगुलैरिटीज भी क्या थी, आउटसाइड ऑफ द सर्कल. यानी कि एफ जेड प्लस में एफ कॉन्जुगेट ए स्क्वायर बाय जेड दे हैव सेम सिंगुलैरिटीज आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल. तो यहाँ पे दे हैव सेम सिंगुलैरिटीज आउटसाइड ऑफ मोड जेड इक्वल्स टू ए. तो इस सर्कल के आउटसाइड दोनों की सेम सिंगुलैरिटीज होंगी. यानी कि जब हमने एफ जेड के अंदर एक नया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऐड कर दिया एफ कॉन्जुगेट ए स्क्वायर बाय जेड, तो इससे कोई भी नई सिंगुलैरिटीज हमें नहीं मिली इस रीजन के अंदर. इस रीजन के अंदर हमें कोई भी नई सिंगुलैरिटीज नहीं मिली. तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया कि जब हमने हमारे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में एक नया एक फंक्शन ऐड करा तो उस केस में कोई भी नई सिंगुलैरिटीज तो ऐड नहीं हुई. अब हमें ये प्रूव करना है कि जो हमने सर्कुलर सिलेंडर लिया है मोड जेड इक्वल्स टू ए जो हमने लिया है, इट्स अ रिजिड बाउंड्री. ये क्या है, एक रिजिड बाउंड्री है. इसको रिजिड बाउंड्री को प्रूव करने के लिए मैं एक फैक्ट यूज़ करूँगी. सबसे पहले तो मुझे पता है कि जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है ये होता है फाई प्लस में आयटा साई, वेयर दिस फाई इज़ योर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एंड दिस साई इज़ योर स्ट्रीम फंक्शन. ये होता है. ठीक है, अगर मैं इन केस ये प्रूव कर दूं कि जो मेरा साई है वो ज़ीरो है, यानी ये कांस्टेंट के इक्वल है. अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि साई कांस्टेंट है और मुझे पता है कि साई कांस्टेंट होता है, साई इज़ कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन. सो हियर आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो वट इज़ स्ट्रीम लाइन, वट इज़ स्ट्रीम लाइन फंक्शन, वट इज़ साई, वट इज़ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. सो मैं अज्यूम करके मुझे ये पता है कि जो साई होता है वो अलोंग अ स्ट्रीम लाइन कॉन्स्टेंट होता है. अगर मैं प्रूव कर दूँ कि साई कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब साई जो है, तो हमारा मोशन है वो अलोंग अ स्ट्रीम लाइन है. एंड स्ट्रीम लाइन इज़ ऑलवेज अ रिजिड बाउंड्री. ये अजम्पशन होता है स्ट्रीम लाइन के लिए कि स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस कभी भी कोई फ्लो नहीं होता. तो अब ये मैं प्रूव कैसे करूँगी. मुझे पता है W किसके इक्वल, अभी हमने प्रूव किया F ऑफ Z प्लस F कॉन्जुगेट A स्क्वायर बाय Z, इसके इक्वल अभी हमने प्रूव किया. वेयर Z हमारे सर्कल के लिए Z क्या आएगा, A ई आई थीटा. ठीक है, A इज योर रेडियस, थीटा इज योर एंगल मेड अलोंग विद द एक्सिस. यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे F ऑफ A ई आई थीटा प्लस F कॉन्जुगेट ए स्क्वायर बाय में ए जेड आएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए ई रेस टू माइनस ई आई थीटा. सो दिस इज़ बेसिकली एफ ऑफ जेड प्लस एफ बार ऑफ जेड कॉन्जुगेट. एंड वी नो दैट एफ एफ बार मतलब एफ का कॉन्जुगेट इज़ नथिंग बट एफ ऑफ जेड होल का कॉन्जुगेट. दिस इज़ अ रिजल्ट. तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ जेड का होल कॉन्जुगेट. एंड वी नो कि अगर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में दूसरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन में दूसरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्जुगेट ऐड करें तो इट्स अ प्योर रियल वेरिएबल. जो भी आई वैल्यू वो प्योरली रियल होगी. अब यहाँ पे हमें पता है कि जो एफ ऑफ जेड है वो होता क्या है, डब्ल्यू होता है हमारा फाई प्लस आयोटा साई, विच इज़ दिस थिंग एफ जेड प्लस फाई एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट. सो इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू इज इक्वल टू फाई आयोटा. यहाँ पे जो आयोटा वाला पार्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमने अभी प्रूव करा कि ये प्योरली रियल रियल वेरिएबल आएगा. यानी कि आयोटा साई वाला पार्ट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया. यानी साई क्या आ गया, ज़ीरो आ गया. साई ज़ीरो आ गया विच इज़ नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट टर्म. इसका मतलब क्या हुआ, साई हमने कॉन्स्टेंट प्रूव कर दिया. साई इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन इज अक्रॉस इज अ रिजिड बाउंड्री. सो इन दैट केस वी हैव प्रूव दैट जो हमने सिलेंडर इंट्रोड्यूस किया है दैट्स अ रिजिड बाउंड्री. सो दिस वॉज योर मिलने थॉमसन सर्कल थ्योरम. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ.